हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हर्षित गोयानी, बायो लाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, उसके अंदर हमने इकोसिस्टम के मेजर दो कंपाउंड जिसका नाम था प्रोडक्टिविटी एंड देन आफ्टर डीकम्पोजिशन, उसके बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया। अगला हमारा इकोसिस्टम का एक मेन पार्ट है, वो एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो मतलब आपको ऑलरेडी आपने प्रोडक्टिविटी एंड देन आफ्टर आपने डीकम्पोजिशन वाला जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंड किया है, तो आपको ये इजीली फ्लो एनर्जी फ्लो वाली जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी फ्लो होती है उसके बारे में आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि सनलाइट में से जो प्राइमरी कंज्यूमर लाइक हमारे प्लांट है, सॉरी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो हमारे प्लांट है, वो प्लांट एनर्जी को प्रोड्यूस मतलब सनलाइट में से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उस एनर्जी प्रोड्यूस होके उसके बाद प्लांट के डिपेंडिंग जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और टर्टियरी कंज्यूमर भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे ही उसी तरह से जो कंज्यूमर्स एनिमल्स पे डिपेंडिंग जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, लाइक जो मतलब गोट को जो लाइन मतलब हमारी गोट है, मतलब हमारी जो गोट्स और काउ और बफेलो है, वो हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, उसके ऊपर डिपेंडिंग रहने वाले एनिमल्स उसको हम कार्निवरस करते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं इस तरह के जो एनिमल्स है उसको हम कार्निवरस बोलते हैं। तो ऐसे कार्निवरस एनिमल्स लाइक जो प्राइमरी कार्निवरस एनिमल्स हो गए लाइक ऑक्स सॉरी लाइक फॉक्स, उसके बाद बहुत सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स है जो कार्निवरस है, तो उस तरह के जो एनिमल्स है वो प्राइमरी कार्निवरस है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी कार्निवरस का भी कॉन्सेप्ट है, मतलब सेकेंडरी कार्निवरस एनिमल्स होते हैं वो प्राइमरी कार्निवरस पे डिपेंडिंग रहते हैं। तो इस तरह से जो पूरी साइकिल है, जो एनर्जी फ्लो है, कंटिन्यूसली होती रहती है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में स्टडी करना है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ के बारे में भी स्टडी करना है कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या कहता है। कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ये कहता है कि जो एनर्जी है वो कभी डाई नहीं होती, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होती, ओनली वन एनर्जी टू सेकंड एनर्जी कन्वर्ट होती है। उसके बाद सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जब एनर्जी वन एनर्जी टू सेकेंड एनर्जी मतलब एक एनर्जी में से दूसरी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स में से कोई अदर ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी यूज होती है, बहुत सारी जो एनर्जी है वो यूज होती है, मतलब 100% एनर्जी है वो कन्वर्टेबल नहीं है, उसमें बहुत सारी एनर्जी यूज भी हो जाती है और बहुत सारी एनर्जी वर्कआउट मतलब 100% हमें सेकेंड ऑर्गेनिज्म लाइक जितनी सनलाइट आती है तो उतनी सनलाइट में से 100% एनर्जी है वो प्लांट कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। प्लांट को कन्वर्ट करने के लिए मतलब प्लांट को एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए भी एनर्जी यूज होगी, उसके बाद बची कुछ एनर्जी है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर से उसके डिपेंडिंग सेकेंडरी कंज्यूमर से, तो प्राइमरी कंज्यूमर में से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जब एनर्जी जाएगी तब भी थोड़ी बहुत कुछ एनर्जी यूज होगी। तो ये दो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है उसके बारे में, और उसके बाद एक हमारा ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी, इस तरह की जो कुछ प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, इस तरह की जो चेन है उसको हम बोलते हैं, उसको हमने बोला है ग्रेजिंग फूड चेन। उसके बाद हमें डेंड्राइट्स फूड चेन के बारे में भी स्टडी करना है कि इसी तरह से एनर्जी है वो डेंड्राइट्स मतलब जो डेथ हो गए इस तरह के ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने डीकम्पोजिशन के अंदर देखा था कि डेंड्राइट्स मतलब डेथ लीव, डेथ प्लांट, डेथ एनिमल बॉडी, ये सब होते हैं हमारे डेंड्राइट्स। उस डेंड्राइट्स में से जो एनर्जी है वो बैक्टीरिया फंजाई के से किस तरह से कन्वर्ट होती है, किस तरह से जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है वन टू सेकंड, और उसमें भी एनर्जी लॉस होने के चांसेस है, जब एक डीकम्पोजिशन होता है तब एनर्जी लॉस होने के चांसेस है कि नहीं वो भी हमें देखना है। चलिए अब हम एक वीडियोस देखते हैं आगे चल के, उसके अंदर हमारी जो पूरी डिटेल है हमारी बुक्स के अंदर जो दी गई है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम वो दिया गया है।
एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे साथ साथ में एनोटेटेड भी किया करूंगा, मतलब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है। सनलाइट इज अ ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम, सारी इकोसिस्टम के लिए सनलाइट ही एक एनर्जी का सोर्स है। उसके अंदर से के अंदर हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम जो हमने देखा है, जो हाइड्रोथर्मल डीप से के अंदर जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स थी उसके डिपेंडिंग बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो भी एनर्जी के लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल थे। और बहुत सारे इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, लेस देन 50% इज अ फोटोसिंथेटिकल एक्टिविटी रेडिएशन। मतलब मैंने बताया था कि 100% जो सनलाइट आती है वो 100% सनलाइट को हमारे जो प्लांट्स है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिक एंड केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स फिक्स सोलर रेडिएट एनर्जी टू मेक अ फूड। मतलब जो PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो सनलाइट आती है, मतलब 100% सनलाइट आती है तो उसके अंदर 50% ऐसी लाइट होती है जो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो प्लांट है और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो अपनी बॉडी में फिक्स करते हैं, और वो सोलर रेडिएंट एनर्जी की हेल्प से मतलब ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की हेल्प से वो फूड बनाते हैं। उसके बाद प्लांट कैप्चर ओनली 2-10% ऑफ द PAR, दिस एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड इकोसिस्टम। ऑब्वियस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देयर इज अ नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसिस द मॉलिक्यूल्स, इट्स हेल्प इन कॉन्ट्रैक्ट द एंट्रोपी। हमने बताया था कि जब यहाँ पे लिखा है प्लांट कैप्चर ओनली 2-10% ऑफ PRP, प्लांट है वो जो 50% फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन PAR आ रहा है उसमें से प्लांट सिर्फ 2-10% ही PRA मतलब फोटोसिंथेटिकल एक्टिव जो एनर्जी है उसको फोटोसिंथेटिकल एक्टिव जो एनर्जी है उसको कैच कर पाता है और उसमें से ही वो जो फूड है वो बनाता है। मतलब 50% एनर्जी सन में से आती है जो PRP जो सन होता है हमारा सन में से। लाइक मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये हमारा सन है यहाँ पे, तो इसमें से 100% लाइट आ रही है, तो 100% लाइट में से हमारे पास 100% लाइट में से 50% लाइट ऐसी है जो फोटोसिंथेसिस, इस लाइट की हेल्प से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। 50% में से भी हमारे प्लांट है वो 2-10% ही लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये 2-10% जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट है जो हमारी PRA है जो रेडिएशन है हमारा वेवलेंथ है मतलब जो लाइट है उसको कैच कर पाते हैं। और 2-3% अगर आप इमेजिन कर सकते हैं अगर प्लांट 2-10% ही जो सनलाइट के जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है उसको कैच कर पाती है कैप्चर कर पाती है तो भी हमारा जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है उसको एनर्जी मतलब उसको फूड सप्लाई हो पाता है। अगर हमारा जो सन है उसमें से जो 50% PRA आ रहा है उसमें से अगर हमारी जो प्लांट है वो 40% भी जो 40% सनलाइट को कैप्चर करके हमें एनर्जी दे पाता तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में एनर्जी मतलब जो फूड है फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी हाई होगी। देन आफ्टर मैंने बात की जब फूड को मतलब ये जो यहाँ पे ग्रासेस है ग्रासेस को सनलाइट की हेल्प से जब फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जब एनर्जी फूड कन्वर्ट करना है तब थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी सिंथेसिस द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करने के लिए जो कांस्टेंट सप्लाई होता है एनर्जी, अब मॉलिक्यूल सिंथेसिस मतलब फूड बनाने के लिए जो एनर्जी एनर्जी प्लांट को मॉलिक्यूल्स जो स्टार्च है ग्लूकोज है एक्सेट्रा न्यूट्रिशन के जो मॉलिक्यूल्स है वो बनाने के लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए
मतलब हमारे सेकेंड लॉ है थर्मोडाइनेमिक्स का, वो ये कह रहा है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, हमारा कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तब उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, थोड़ी बहुत कुछ एनर्जी है वो लॉस, मतलब 2 से 10% में से जो एनर्जी कन्वर्ट होगी, उस एनर्जी में से थोड़ी बहुत कुछ एनर्जी, मतलब आधी एनर्जी प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज होगी और आधी एनर्जी स्टोर होगी जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलती है। तो ये जो एनर्जी है उसको हम एंट्रोपी, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी है उसको हमने एंट्रोपी, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। जो एंट्रोपी है मतलब जो प्लांट है उसमें से जो प्लांट है जो यूज करता है एनर्जी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। देन आफ्टर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जैसे ही हमने जो देख लिया वो सब आ रहा है, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन पीआरए, देन आफ्टर प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिकल केमो सिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स टेक सोलर रेडिएंट एनर्जी टू मेक अ फूड, प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पीआरए इज पीआरए, दिस एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड इकोसिस्टम by second law of thermodynamics, they need a constant supply of energy synthesis the molecules, it has to contract the entropy। यहाँ पे आपने दूसरा एक एग्जांपल दिया है प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स, जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं उसकी बात करो, दे आर ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसिस फूड, जो हमारे प्रोड्यूसर है उसकी बात, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर द हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स, उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर अ फाइटोप्लैंक्टन एल्गी एंड हायर प्लांट्स, द एनर्जी ट्रैप बाय द प्रोड्यूसर इज अ पास ऑन द कंज्यूमर और द कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म साइड। यहाँ पे आपको बता दूं कि एनर्जी फ्लो में हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस कौन करता है, तो हमारे इकोसिस्टम में दो टाइप की इकोसिस्टम है, फर्स्ट ये हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरी एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्बिवर्स और जो वुडी प्लांट है वो सनलाइट को कैप्चर करके फूड बनाते हैं, उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन एल्गी एंड हायर प्लांट है वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो एनर्जी ट्रैप करते हैं, मतलब सनलाइट की सनलाइट को ट्रैप करते हैं और सनलाइट को ट्रैप कैप्चर करते हैं और उसमें से एनर्जी कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रैप होती है, वो जो ट्रैप हुई एनर्जी है वो कंज्यूमर मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब जो हेटेरोट्रोपस है वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपस पर डिपेंडिंग रहते हैं। यहाँ पे एक फूड चेन दी है हमने, जैसा देखा कंज्यूमर हेटेरोट्राइपस हेटेरोट्रोप्स, हमने देखा these are animals that directly or indirectly dependent on the plant for a food, they include primary consumers, herbivorous feed on plants, example insects, bird, mammals, molluscs, kingdom etc, secondary consumer matlab hamare primary carnivorous feed on herbivorous, example frog, fox, man etc, tertiary consumer secondary carnivorous feed on primary carnivorous, एग्जाम्पल टाइगर लाइन एक्सेट्रा। हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात की, उसके बाद एनर्जी ऑटोट्रॉप्स ने एक्वेटिक और एक्वेटिक इकोसिस्टम में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर दी है। तो अब मैं बात करता हूँ कि कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स मतलब हेटेरोट्रॉप्स जो डायरेक्टली एनर्जी को सनलाइट को कैप्चर करके एनर्जी बनाने में मतलब ओवन फूड प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है, तो इस तरह के जो एनिमल्स है उसको हमने नाम दिया है कंज्यूमर्स हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स है उसके तीन टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब वो हर्बिवोरस जो घास खाते हैं लाइक इंसेक्ट है, बर्ड है, मैमल्स है, मोलसिस होते हैं, वो
से के अंदर जो प्लांट्स है उसके ऊपर डिपेंडिंग रहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड ऑन हर्बीवर्स, जो हर्बीवर्स एनिमल है उसको फीड करते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं, लाइक हमारे इंसेक्ट है, हमारे मेमल्स काव है, उन सबको खा जाते हैं। मतलब उसके पास जो स्टोर एनर्जी थी वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने ले ली, तो उस तरह के जो कंज्यूमर्स है उसको हम प्राइमरी कार्निवेरस भी बोल सकते हैं और वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। उसके बाद टार्टरी कंज्यूमरस, उसको सेकेंडरी कार्निवेरस मतलब फीड ऑन प्राइमरी कार्निवेरस लाइक अ टाइगर एंड लाइन। जो प्राइमरी कार्निवेरस है मतलब जो हमारे प्राइमरी फ्रॉग है, फॉक्स है, मैन है, उन सबको खा के सर्वाइव होने वाले एनिमल सेकेंडरी कार्निवरस। कार्निवरस मतलब जो मांस खाते हैं और हर्बीवरस मतलब जो घास फूस खाते हैं। तो ये दोनों की जो ए एनर्जी फ्लो है इस तरह से प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ये कंज्यूमर में से प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टार्टरी, देन आफ्टर प्राइमरी कार्निवरस टू सेकेंडरी कार्निवरस, और देन आफ्टर सेकेंडरी कार्निवरस टू टार्टरी कार्निवरस, और देन आफ्टर ये जो लाइन लाइन है, टाइगर है, ये सब किल हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये जो हमारे यहाँ पे वो जो हमारे है मतलब ये हमारे डिकम्पोजिशन, मतलब जो हमारे डेंट्राइट फूड चेन है, हमें डीएफसी देखना है, डेंट्राइट फूड चेन, तो डिकम्पोज होता है और फिर से सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे फूड चेन दिखी, ग्रास है हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके ऊपर डिपेंडिंग प्राइमरी कंज्यूमर्स रहते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स में डिपेंडिंग सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स में डिपेंडिंग टार्टरी कंज्यूमर्स, उसके बाद टार्टरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडिंग फाइनल कंज्यूमर्स, उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन होता है। Then after the chain of the feeding relationship between the different organism is a call of food chain. Food chain की definition दी गई है कि the chain of the feeding relationship between different organism is a call of food chain. Food chain is a two type, grazing food chain and then after dendrite food chain. First grazing food chain GFC, higher primary consumer feed on living plants. प्रोड्यूसर लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे लीव्स, उसके बाद कैटरपिलर्स, उसके बाद ट्रश, मतलब बहुत सारे बर्ड्स। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, ग्रासिस, गोट एंड मे। देन आफ्टर डाइटरी फ्रूट चेन डीएफसी, हियर अ प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन अ डेड ऑर्गेनिक मैटर डेंट्राइट्स, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ बिगिनिंग ऑफ डीएफसी। डेंट्राइट फूड चेन भी दी गई, डेड लीव्स है, वुड लोस है और बैक बर्ड है। उसके बाद डेंट्राइट्स इज अ मेड अप ऑफ अ डीकंपोजर्स, डेंट्राइट्स इज अ मेड ऑफ डीकंपोजर सेफरोट्रॉप्स सच एज अ फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द डेंट्राइट्स इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर व्हिच आर एब्जॉर्ब बाय देम, दीस दे गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। मतलब ये एनर्जी फ्लो है, जो सेकेंड हमारा एनर्जी फ्लो मतलब एनर्जी पास आउट होने का जो वे है वो है हमारा डेंट्राइट फूड चेन। उसके अंदर हमारे जो डीकम्पोजर मतलब सेपेरो मतलब डेथ हुआ और ट्रोपस मतलब डीकम्पोजिशन, मतलब ये डीकम्पोजर है हमारे लाइक बैक्टीरिया, फंजा एक्सेट्रा, वो सब बहुत सारे टाइप के एंजाइम रिलीज करते हैं और जो भी डेथ मटेरियल है उसको बैकग्राउंड ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डीकंपोजिंग फ्रूट ड्यू टू फंजस, यहाँ पे एक एनिमेशन वीडियो दिया था। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज अ मेजर कंडक्ट फॉर अ एनर्जी फ्लो, एक्वेटिक सिस्टम में जीएफसी वर्क करता है एनर्जी फ्लो के लिए, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीएफसी एंड जीएफसी दोनों साथ में वर्क करते हैं। डीएफसी में भी कनेक्टेड विथ जीएफसी एट सम लेवल, डीएफसी जो है हमारा वो जीएफसी के साथ बहुत सारे लेवल तक कंबाइन होता है। सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी आर अ प्रे टू द जीएफसी एनिमल्स, एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्राउ, ह्यूमन एक्सेट्रा आर ओमनिवरस, सच अ इंटरकनेक्ट ऑफ फूड चेन इट्स आर कॉल्ड इज अ फूड वेब्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमारा फ्लो है
ग्रेजिंग फूड चेन से, ग्रेजिंग फूड चेन की हेल्प से होता है। उसके बाद जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके अंदर जो फूड एनर्जी फ्लो होता है वो डीएफसी एंड जीएफसी, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेंड्राइट फूड चेन, उन दोनों की हेल्प से होता है। और डीएफसी और जीएफसी से बहुत सारे लेवल तक साथ रहते हैं, उसके बाद वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे दिखा है डीएफसी आर अ प्रे टू द जीएफसी एनिमल। डीएफसी है मतलब डेंट्राइड, और डेंट्राइड फूड चेन है वो हमारे जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसके लिए प्रे होते हैं, लाइक एनिमल लाइक कॉकरोच, क्राउस, उसके बाद ह्यूमन एक्सेट्रा आर ओमिनोवेरस। वो ओमिनोवेरस है मतलब वो मांस खाते हैं, मतलब दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। सच इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन आर कॉल्ड इज अ फूड वेब। मतलब ये जो डीएफसी और जीएफसी दोनों एक साथ इंटरकनेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि बहुत सारी जो अमीनो वायरस है वो जीएफसी मतलब डीएफसी है में डेंट्राइट से, जो डेंट्राइट फूड चेन मतलब जो डेथ हो गई, लाइक कोई कॉकरोच डेथ हो गया है, लाइक कोई फ्रॉग डेथ हो गया, तो डेथ हुए एनिमल्स को डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो ग्रेजिंग फूड चेन मतलब जो जीएफसी वाले जो एनिमल्स है उसके लिए प्रे होता है। तो मतलब लाइक ह्यूमन बीइंग का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ह्यूमंस होते हैं वो डीएफसी वाले जो एनिमल्स है मतलब जो डेंट्राइट से जो डेथ हो गए उसको अपने उसकी एनर्जी डिकम्पोज नहीं होती, मतलब उसको डिकम्पोज नहीं हो देते थे, उसको खा जाते हैं। मतलब ये इस तरह से डीएफसी और जीएफसी का जो इंटरकनेक्शन, जो ये फूड चेन का इंटरकनेक्शन लेवल है उसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो दो डेफिनेशन हमारे पास आई, फूड वेब्स एंड फूड चेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फूड वेब दिया है कि देखो आप कौन है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसके बाद मैंगोज है, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई पे डिपेंडिंग थ्रस्ट है, उसके बाद थ्रस्ट पे डिपेंडिंग वुल्फ है, उसके बाद रेट है, ग्रास ऑपर है, फ्रॉग है, ईगल है। मतलब जो डीएफसी है आर अ प्रे टू द जीएफसी, जो डीएफसी वाले जो डीएफसी मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम वाले जो एनिमल्स है, उसके बाद जो जिसके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाले जो एनिमल्स है लाइक डीएफसी, तो डेंट्राइट फूड चेन एनर्जी फ्लो के लिए जो एनिमल्स में डीएफसी चल रहा है एनर्जी फ्लो के लिए, वैसे एनिमल्स जो एक्वेटिक कंडीशन में लाइक फिशेस होती है, उसके बाद बहुत सारे फ्रॉग होते हैं, उसको प्रे करते हैं, उसको खा जाते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड वेब हो या मतलब इंटरकनेक्ट हो गए। फूड की कमी हुई तो डीएफसी वाले जो एनिमल्स है वो जीएफसी को किल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आप देख सकते हैं हर्बीवेरस ये है स्पेशल प्लेस ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज अकनाव इज अ ट्रॉपिकल लेवल। जो स्पेशल प्लेस है फूड चेन की वो ट्रॉपिकल लेवल, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब ये ट्रॉपिकल लेवल, इसमें से ही एनर्जी काउ में से ही एनर्जी मिलती है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर इंटू सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर इंटू टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उसके पास ट्रॉपिकल लेवल्स प्लांट होते हैं लाइक फाइटोप्लैंकटन, ग्रासेस, ट्री एक्सेट्रा। मतलब ये हमारी काव है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, मतलब वो घास खाती है, ट्रीज खाती है, उसके बाद उसके डिपेंडिंग ये हमारा जो ब्रू वुल्फ है, हमारा जो वुल्फ है उसके ऊपर डिपेंडिंग रहता है। उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके पास सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल लाइक हर्बीवेरस, लाइक जू प्लेक्टन, ग्रास क्रॉपर एंड काउ। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिकल लेवल कार्निवेरस, बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ एक्सेट्रा। देन आफ्टर टर्टरी कंज्यूमर्स, देन आफ्टर फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल टॉप कार्निवेरस, उसको बोलते हैं लाइक मैन, लायन एक्सेट्रा। उसके बाद ये हमारी एनर्जी फ्लो की एक साइकिल है, एनर्जी फ्लो थ्रू द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। अब एनर्जी वन लेवल टू डिफरेंट लेवल में, मतलब जैसे कि प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल, सेकेंडरी टू टर्टियरी ट्रॉपिकल लेवल पे एनर्जी जब फ्लो होती है तब क्या होता है उसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे वन
यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, उसके बाद सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल, उसके बाद सेकेंडरी टू टर्टियरी ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी कन्वर्ट होती है, तब बहुत सारी जो एनर्जी है वो हीट में लॉस होती है। यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल, जो एक ट्रॉपिकल लेवल्स में से सेकंड ट्रॉपिकल लेवल्स में एनर्जी जाती है तब एनर्जी लॉस होती है, डिक्रीज होती है। व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इज अ डाई इट बिकम अ डेड बायोमास डेंड्राइट्स, इट इज एन एनर्जी सोर्स ऑफ डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिकल लेवल फॉर अ एनर्जी डेड बायोमास। देन आफ्टर वी विल डिस्कस नेक्स्ट the amount of living material in a tropical level at a given time it's called is a standing crop. standing crop matlab kya, standing crop matlab the amount of living material in a tropical level at a given time is a called is a standing crop. matlab hamare jo yahan pe aap dekh sakte hain images di hai like gehu, to gehu hai ek specific timing mein ek specific region mein hame jitna bhi biomass mila, मतलब अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन ट्रॉपिकल लेवल, कोई एक ट्रॉपिकल लेवल में हमें जितने भी अमाउंट में फूड मिला उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। इट मींस इट्स मेजर एज अ बायोमास, बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नंबर इन अ यूनिट ऑफ एरिया, स्पेसिफिक एरिया में जैसे बायोमास हम मेजर करते हैं, उससे पहले भी हमने देखा है कि बायोमास किस तरह से मेजर किया जाता है। बायोमास ऑफ स्पेसिफिक इज अ मेजर इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट, drive weight is a more accurate because it is a extant mass of body which remain constant. number of tropical level is a GFC is a registered as a follow 10% low, only 10% of energy is transferred to each tropical level from the lower tropical levels. that this sentence is the most important कि जो 10% जो एनर्जी होती है वो सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल से फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में जब एनर्जी कन्वर्ट होती है तब लॉस होती है। तो ये हमारा पूरा एनर्जी फ्लो का साइकिल था वो कंटिन्यूसली होता है। तो अब हम आगे एक वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरह से जो एनर्जीज है, तो किस तरह से जो एनर्जीज है वो जो वन टॉपिकल लेवल टू सेकंड टॉपिकल लेवल्स में कन्वर्ट होती है तब 10% एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, दिस एनर्जी इज यूज एंड कन्वर्ट फ्रॉम द वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रॉम एनर्जीज। फ्लो ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है स्टडीज ऑफ वेरियस फूड चेन सच दैट द एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव लेवल इज 10% ऑफ प्रीवियस लेवल। मैंने बताया था कि जो प्रीवियस लेवल है उससे कम जो एनर्जी होती है 10% लो होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सन है, उसमें से 1000 जूल एनर्जी हमें मिलती है, तो हमारे प्लांट हुए वो 990 जूल जितनी एनर्जी है वो लॉस कर देते हैं, ओनली 10% जूल उसके उसके पास स्टोर होता है। उसके बाद ये जो एनर्जी है वो सेकेंडरी जो हमारे सॉरी हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें भी 1 जूल मतलब 10% ही उसके पास जाती है, 9 जून जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, आप ये साइकिल में देख सकते हैं। उसके बाद 1 जूल एनर्जी है उसमें से सिर्फ 0.9% एनर्जी लॉस होता थी, 0.1% एनर्जी है वो ओनली एंड ओनली हमारे सेकेंडरी मतलब जब एनर्जी फ्लो होती है, जैसे कि जब एनर्जी वन लेवल टू सेकंड लेवल फ्लो होती है तब जब एनर्जी वन लेवल टू सेकंड लेवल वन ट्रॉपिकल लेवल टू सेकंड ट्रॉपिकल लेवल फ्लो होती है तब 10% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारी पूरी एनर्जी फ्लो की डिटेल दी गई है, प्रोड्यूसर उसके बाद प्राइमरी कार्निवेरस हर्बीवेरस कंज्यूमर्स सेकेंडरी कार्निवेरस उसके बाद ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी जैसे कि हमने पहले देखा, उसके बाद एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम सन है, उसके बाद प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर में से कंज्यूमर कंज्यूमर में से डीकम्पोजर डीकम्पोजर में से इनऑर्गेनिक और न्यूट्रिएंट और उसके बाद फिर से प्रोड्यूसर में, तो साइकिल चलता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये ट्रॉपिकल लेवल है, प्रोड्यूसर मतलब ये वन ट्रॉपिकल लेवल है ये सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है, तो वन ट्रॉपिकल लेवल टू सेकंड ट्रॉपिकल लेवल जब एनर्जी कन्वर्ट होती है तब एनर्जी लॉस होती है, तब एनर्जी 10% एनर्जी होती है और लॉस होती है। अब ये 10% एनर्जी हमारे दोनों साइकिल डेंड्राइट फूड चेन और जो हमारे ग्रेजिंग फूड चेन दोनों साइकिल के दौरान ये 10% एनर्जी लॉस होती है।
आगे मैं आपको ये जो इमेजेस है वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद एडेंट्राइट फूड चेन का कॉन्सेप्ट है, जीएफसी फूड वेब्स, उसके बाद ट्रॉपिकल्स लेवल्स, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिकल्स लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकंड टर्टरी एंड फोर्थ। तो ईच ट्रॉपिकल लेवल अब जैसे ही आगे बढ़ते जाएगी एनर्जी लो होती जाएगी, और कितनी एनर्जी लो होती जाएगी, 10%। जैसे कि यहाँ फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे आपके पास 1000 जूल एनर्जी थी, तो आपको यहाँ पे कितनी लॉस हो जाएगी, 10% एनर्जी लॉस होगी, मतलब 990 जूल्स, 990 जूल्स जो एनर्जी थी वो लॉस हो गई। सिर्फ 10 जूल्स ही एनर्जी सेकेंडरी ट्रॉपिकल्स लेवल, मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे उसके पास आई, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर है उसके पास आई। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में से सेकेंडरी कंज्यूमर में इसमें से भी 1 जूल ही एनर्जी उसको मिलती है, 9 जूल एनर्जी लॉस हो जाती है। मतलब एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में आप जाएंगे कोई भी एनर्जी फ्लो के साइकिल में, डेंड्राइट फूड चेन में, और दूसरा हमारा है वो है ग्रेजिंग फूड चेन, उसमें 10% एनर्जी लॉस होती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास वाली जो डेफिनेशन, यहाँ पे 10% लो, और यहाँ पे हमें लिखा है डू यू थिंक देर आर एनी सच लिमिटेशन एंड डेंड्राइट फूड चेन। जैसे ही हमें हमने बात की थी जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन है वो जैसे मैंने बात की थी, जीएफसी है वो हमारा टेरेस्ट्रियल, जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, इकोसिस्टम, वहां पे एनर्जी फ्लो का साइकिल है, और हमारा जो सॉरी पानी का मतलब एक्वेटिक, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां पे एनर्जी फ्लो होती है, वो एनर्जी फ्लो होती है वो एनर्जी फ्लो होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन की हेल्प से। उसके बाद हमें हमने बात की थी डीएफसी, उसके बाद हमने बात की थी डीएफसी डेंट्राइट फूड चेन, जो डेंट्राइट फूड चेन है वो डेंट्राइट फूड चेन है वो उसमें भी 10% एनर्जी है लॉस होती है। मतलब दोनों फूड चेन, दोनों साइकिल के अंदर, दोनों साइकिल के अंदर एनर्जी लॉस होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, तो ये लिमिटेशन है कि 1 ट्रॉपिकल लेवल टू सेकंड ट्रॉपिकल लेवल जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तब जो हमारी जब 1 ट्रॉपिकल लेवल टू सेकंड ट्रॉपिकल लेवल जब एनर्जी कन्वर्ट होगी तब एनर्जी लॉस होगी, 10% एनर्जी लॉस होगी। तो ये है हमारा एनर्जी फ्लो साइकिल, आपको याद रखना है, ये भी इकोसिस्टम का एक मेजर पार्ट है। उसके बाद हम इकोलॉजिकल पिरामिड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।